हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग जो विज्ञान किट मिली हुई है जूनियर लेवल के लिए, उसमें दो बार हमने विज्ञान किट को आपके सामने दिखाया था और उसमें के जो प्रैक्टिकल्स थे वो भी हमने करके दिखाए थे। तो दो वीडियो जिसमें बन चुकी हैं जो आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं, और हमने एक से ले करके 33 तक हमने बता दिया था। अब इसके बाद हम लोग 33 से शुरू करेंगे और आज पूरा ख़त्म करेंगे जो 51 तक का इसमें है। उसके बाद जो स्पेशल चीज़ें अलग अलग से दी गई कैटेगराइज करके उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर 33 नंबर पे है एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी का मतलब भी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें ना कोई टंगस्टन होता है ना कोई फिलामेंट होता है, ये कुछ इस तरीके की एलईडी मिलेंगी छोटी छोटी, और इनको हम जब विद्युत धारा का चैप्टर चलेगा तो उसमें हम आपको बता सकते हैं इसको सूचक की तरीके से लगा सकते हैं, इंडिकेटर की तरीके से कि धारा का प्रवाह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये केवल डीसी करंट में भी इनको प्रयोग में लाया जा सकता है, बाकी में नहीं यूज किया जा सकता। तो इनकी संख्या 5 है, 5 संख्या में ये दी गई है, 5 एलईडी यहाँ पर दी गई है छोटी छोटी। इसके बाद है फिर स्लिंकी। स्लिंकी यहाँ पर है, ये स्लिंकी हमने यूज में लाया था पहले, तो थोड़ा फैल गई है। इससे हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों को दिखा सकते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं वो जिस दिशा में तरंग चल रही है उसके कण उसी दिशा में चलते हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, जिस दिशा में तरंग चल रही है उसके लंबवत उसके कण हलचल करते हैं। जैसे अभी मैं अगर आपको ये स्लिंकी देख रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे बोर्ड के सामने, अगर मैं इसको ऐसे कंपन करता हूं ये, तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो गई। इसमें देखोगे उतार चढ़ाव बन रहा है, गड्ढे बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरंग को इस तरीके से कंपित करूं ऊपर से नीचे की तरफ, अब इस समय जो कंपन दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें आपको उतार चढ़ाव या गड्ढे बनते नहीं दिखेंगे, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, तरंग जिस दिशा में जाती रहती है उस तरंग में जो कण होते हैं वो उसी दिशा में गति करते हैं। तो ये थी स्लिंकी। और स्लिंकी के बाद फिर विभिन्न प्रकार के चुंबक, यहाँ पर ढेर सारे चुंबक दिए गए हैं, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, स्फेरिकल चुंबक। चुंबक पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और चुंबक के बाद फिर कवर सहित स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड, वो हमें इसमें प्राप्त नहीं हुआ है, जब ढूंढेंगे अगर मिल जाएगा तो उसको हम दिखा देंगे। उसमें के आधे ऑपरेटर्स हमको दिख रहे थे, जैसे हमको एक तरफ पॉजिटिव और निगेटिव दिखाना कार्क सहित, वो हमें मिल गया है। लेकिन स्टेनलेस स्टील के जो इलेक्ट्रोड दो हमको यूज करने हैं वो इलेक्ट्रोड वाली पत्तियां हमको नहीं मिल रही हैं। एक पत्ती हमें मिल रही है लेकिन दूसरी नहीं मिल रही है, तो जब पूरा मिल जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे। इसके बाद है प्लास्टिक पास्चर पेपेट, कुछ इस तरीके से है, काफ़ी संख्या में है ये। इस पन्नी में यहाँ पे देखिए ढेर सारी पॉस्चर पेपेट रखी हुई है ये, और इनका काम क्या होता है, जैसे एक पात्र में से दूसरे पात्र में अगर हमको किसी केमिकल को लेके जाना हो तो सिंपली इसको ऊपर वाले को दबाया जाता है, और दबाने के बाद इसकी एयर निकल जाती है और उस केमिकल में अगर डालेंगे और इसको हम छोड़ देंगे ऐसे, तो अपने आप ये जो है उस केमिकल को अपने अंदर भर लेगा और ले जाके उसमें फिर से दबा के उसे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक कीप, यहाँ पर है प्लास्टिक कीप ये, जो कि 3 की संख्या में मिली हुई है। किसी भी बोतल में, किसी भी फ्लास्क में अगर कोई लिक्विड डालना हो या फिर किसी केमिकल को छानना हो, फिल्टर करना हो, तो हम इस कीप का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी संख्या
10 पीस बताई गई है, कुछ इस तरीके से है। फिल्टर पेपर से हम अगर मान लीजिए कोई प्रयोग करते हैं तो उसका जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको निकालने के लिए हम इस तरीके से कोन बनाते हैं, ऐसे यहां से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद अपने स्कीप में ऐसे रख देंगे और फिर छान लेंगे। तो फिल्टर पेपर जो है एक तरीके से छानने के लिए यूज में लाया जाता है या निस्यंदन के लिए यूज में लाया जाता है। इसके बाद वितरित करने वाली छोटी बोतलें जो है इस तरीके की है, ढेर सारी 20 की संख्या बताई जा रही है। इन बोतलों में क्या होता है, कोई भी जो केमिकल हो जिसको आपको भर के रखना है, तो अभी इसमें छेद नहीं था, हमने छेद किया था, ये भी जो पॉलिएस्टर पिपेट है उसी तरीके से ये भी काम करता है। दरअसल इसको ऐसे दबा दिया जाएगा और दबाने के बाद उस केमिकल को, उस रसायन को इसमें भर लिया जाएगा और भर के जो है इसको फिर से लॉक करके रख दिया जाएगा। तो ये हो गई वितरित करने वाली छोटी बोतलें प्लास्टिक की। अब इसके बाद है प्लास्टिक सीसी। तो प्लास्टिक की सीसी इसी में रखी है, ये है, इनकी भी संख्या 20 बताई गई है। इसमें कोई भी पाउडर शेप या फिर ठोस केमिकल जो होगा उसको हम इसमें भर के और बंद करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं कि जो ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हो या फिर बहुत सूक्ष्म कण हो उसको देखना होता है, उसमें इस्तेमाल में लाई जाती है। बनावट आप देख रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी जो है अभी हमको प्राप्त नहीं हुई है। कुल मिलाकर के जैसे ही प्राप्त होती है मैं उसमें आपको स्लाइड भी दिखाऊंगा कटिंग करके। फिर इसके बाद है अंशांकित सिलेंडर। 3 सिलेंडर मिले हुए हैं यहाँ पर देख लीजिए, और इसमें नाप दी गई है कितने ml तक के हैं, ये 100-100 ml के तीनों हैं। इसमें हम कोई भी लिक्विड, कोई भी रसायन अपना भरकर रख सकते हैं। फिर इसके बाद है परखनली स्टैंड। छोटी छोटी स्टैंड इस तरीके की 2 की शेप में मिली हैं, इनको ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से नहीं रखना है, ऐसे रखना है इस तरीके से, और परखनली जो होगी इसके अंदर ऐसे खड़ी रख दी जाएगी, होल जो है ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये परखनली है, इसके अंदर ऐसे रख दी जाएंगी। फिर इसके बाद है उद्दहन चम्मच। उद्दहन चम्मच यहां पर है, ये इस तरीके से देख सकते हैं, इसमें मैग्नीशियम रिबन जलाने के लिए इसको यूज में लाया जाएगा, हवा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जानने के लिए। कैसे प्रयोग होगा ये हम करके दिखाएंगे आपको। फिर इसके बाद है चाइना डिश, यहां पे होती है चीनी मिट्टी की बनी हुई। कोई भी चीज हमको उबालनी होती है तो अपने तिपाई स्टैंड पे जो है सबसे पहले हम लोग जाली रखते हैं, उसके बाद में ही इसको चढ़ाया जाता है। यहां पर ये जाली मिली हुई है आयरन की, पन्नी हटा के इसको ऐसे रख देंगे, उसके बाद इस पर पोर्सलिन डिश रखे जाएंगे। तो जो भी चीज गर्म करनी होती है हम ये पूरा सेटअप अपनाते हैं। अब इसके बाद है तिपाई स्टैंड के बाद धोने के लिए बोतल। एक बोतल मिली हुई है जिसमें यहां पर ये छोटी सी नली लगी हुई है, इसमें आप पानी भर के रख सकते हैं। आप टेस्ट ट्यूब धुलना चाहें तो टेस्ट ट्यूब इससे धुल सकते हैं, कोई भी जो है अपना ऑपरेटर धुलना चाहे तो धुल सकते हैं, इसका इस्तेमाल यही है। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने दिखाया हुआ है आपको, वीडियो से बनी हुई है, कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, कैसे काम करता है और कैसे बिजली बनाता है ये सारा कुछ दिया गया है। इसके बाद है दर्पण सहित परिदर्शी फ्रेम। ये फ्रेम जो है तो नहीं मिला हुआ है, बस एक प्रतिदर्शी मिला हुआ है हमें, इसमें परिदर्शी फ्रेम कह रहा है लेकिन ये एक प्रतिदर्शी है जिसे पेरिस्कोप कहा जाता है। समझ लीजिए कि यही हमारा प्रतिदर्शी है, दर्पण भी इसमें लगे हुए हैं। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इस पर भी वीडियो बनी हुई है। आप छुप करके सामने वाली चीज को बिना सामने आए इस वाले दर्पण में देख सकते हैं। फिर इसके बाद प्लग एवं कुंजी। विद्युत के जब एक्सपेरिमेंट आपको करने होंगे और आपको टेम्परेरी करंट कहीं पर ले जानी होगी थोड़े समय के लिए, तो ये होती है कुंजी और ये इसका जो है प्लग है। एक वायर आप यहां पे जोड़ेंगे, दूसरा यहां पे जोड़ेंगे, तो धारा तब तक नहीं बहेगी जब तक आप इस कुंजी को इसमें नहीं लगाएंगे। और ये परमानेंट धारा के लिए यूज नहीं की जाती है, जैसे थोड़े समय के लिए हमको धारा ले जानी हो त
तब इसको लगा देते हैं, धारा बहने लगती है, फिर इसको हटा लेते हैं, धारा बंद हो जाती है। फिर इसके बाद है क्रोकोडाइल क्लिप। क्रोकोडाइल क्लिप यहां पर काफी दी गई है, जैसा इसका नाम है क्रोकोडाइल क्लिप। क्रोकोडाइल के दांत सबसे मजबूत माने जाते हैं, तो उसी के दांत के जैसे इसमें ये क्लिप दी गई है। यहां पे देखिए, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये यहां पे देखिए, इसमें ये दांतेदार चीज बनी हुई है, ये यही है क्रोकोडाइल क्लिप। और इसका यूज कहां पे होना है, क्योंकि कई बार जो बनाना क्लिप हमको दी गई है वो नहीं काम कर पाती है, ऐसी जगह पर लगाने के लिए जिसमें होल होता है उसमें बनाना क्लिप काम कर जाती है, ये मोटी वाली जो है इसको लगा देते हैं, लेकिन जहां पर जो है होल ना दिया गया हो, डायरेक्ट हमको फंसाना होता है, तो हम वहां पर क्रोकोडाइल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे 51 एक्सपेरिमेंट जो इसमें थे।